हेलो माय यूट्यूब यूट्यूबर्स आई होप यू विल बी फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे अवर वीडियो अबाउट हाउ टू मेक पर्सनल स्टिकर्स तो आज हम स्टिकर्स बनाना सीखेंगे वेरी इजी टू क्विक वे है कि हम स्टिकर्स कैसे बना सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पिक्सल ऐप के यूज से मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी प्रोफाइल मेकिंग एंड डी मेकिंग बताया था कि आप किस तरह कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द Uh, pixel lab एंड इसमें जो आपको यानी कि लोअर पार्ट पे ये थीम्स नज़र आ रहे हैं आपने इनको यूटिलाइज़ नहीं करना ठीक है इसमें आपने एक यानी कि ये जो ब्लैंक पेज है वाइट शीट है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है क्योंकि जो स्टिकर्स होते हैं वो एक प्लेन शीट पर क्रिएट होते हैं सो आपने कोई भी पिक्चर डाउनलोड करनी है या की हुई या प्रिंटर से कर सकते हैं एंड इसमें यानी कि आप कोई भी पिक्चर कोई भी स्टिकर्स इवन के आप अपने फ्रेंड्स के भी स्टिकर्स बना सकते हैं सो इसमें आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें आपने पिक्चर फ्रॉम गैलरी करना है क्योंकि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो गैलरी में हैं ठीक है एंड इसमें हम कोई भी यानी कि जो पिक्चर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें आपने जो है वो रेशो का साइज़ नहीं रखना होता क्योंकि वो फिर आपके फुल जो प्लेस है उस पर आ जाती है तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपने इसको ले आना है सेंटर में ठीक है क्योंकि हमने कोटेशन बनानी है या मोटिवेशनल आप कोई भी बना सकते हैं सो आपने इसके साइज़ को है बड़ा रखना है ठीक है जितना आप बड़ा रख सकते हैं इस स्टीकर में इस साइज़ को बड़ा रखना है क्योंकि जितना छोटा आप यानी कि स्टिकर का साइज़ रखेंगे वो उतना ही छोटा आपका स्टिकर जो है वो बनेगा सो आपने इसको बिल्कुल साइज़ में बिग रखना है सो इसमें आपको लोअर पार्ट पे एक स्क्वायर शेप के दो यानी कि नज़र आ रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है ठीक है क्योंकि ट्रांसपेरेंट करना लाजमी है क्योंकि आपका स्टिकर है आप कोई पिक्चर नहीं मेकिंग कर रहे तो इसमें आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसको यानी कि सेव करेंगे सेवेस इमेज ठीक है इसमें मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि जो हम पिक्सल ऐप पे वो कर रहे हैं स्टिकर्स बना रहे हैं वो किस ऐप में आप लोग जाके ऐड करेंगे ठीक है सो इसमें मैं आपने एक स्टिकर्स को क्रिएट कर लिया है सो अब हम इसमें दूसरी फाइल लेते हैं ठीक है फाइल लेने के बाद इसमें मैं आपको टैक्स ऐड करना बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पिक्चर में टैक्स को ऐड कर सकते हैं सो so, इसी तरह दोबारा से हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम गैलरी इसमें हमने सबसे पहले वाइट शीट सिलेक्ट करनी है ठीक है इसके बाद हम जाएंगे फ्रॉम गैलरी एंड यहाँ से हम कोई भी यानी कि ऐसे ये पिक्चर ले लेते हैं ठीक है पिक्चर लेने के बाद इसकी हम रेशो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं ख़ुद यहाँ से हमने रेशो सिलेक्ट नहीं करनी ठीक है इसको हम ओके okay करते हैं यहाँ पे हम इसको सेंटर में लेकर आएंगे ठीक है एंड अब हमने इसमें टैक्स ऐड करना है ठीक है टैक्स ऐड करने के लिए ये यह आपको यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ पे भी टैक्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये जो आपको ए जो फ़ॉन्ट साइज का है इसमें भी आप टैक्स ऐड कर सकते हैं सो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं डबल क्लिक करने के बाद हम इसमें कोई टैक्स ऐड कर देते हैं ठीक है हेलो हेलो फ्रेंड्स ठीक है ओके okay. इसमें हमने टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको यानी कि जो है वो यानी कि इसकी एडिटिंग करनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कलर चेंज करते हैं ठीक है कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है आप कोई भी कलर यानी कि अगर आप कैट uh, में से या कोई भी इसकी पिक्चर में से कलर जो है वो ऐड करना चाहते हैं या कोई भी कलर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन इसमें यानी कि ज़्यादा कलर्स नहीं हैं तो हम इसको ब्राउन टच देंगे ठीक है एंड सेकंड इसका स्टेप ये होगा कि अगर हमें इसका फ़ोन पसंद नहीं आ रहा ठीक है तो हम इसका जो है वो फोनट चेंज करेंगे ठीक है इसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और इसका हम यानी कि यहाँ पे हम लोगों को लॉट्स ऑफ फ़ॉन्ट्स मिलते हैं जिसमें हम यानी कि अपना जो है वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं सो इसमें हम कोई भी यानी कि फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है इसके बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं अटैलिक भी कर सकते हैं इसके नीचे यानी कि यहाँ पे लाइन भी स्ट्रेट लगा सकते हैं तो इसमें हमने इसको नहीं रखना इसको हमने बोल्ड करना है एंड सिलेक्ट उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और इन्हैंस एंड ब्यूटीफुल बनाएंगे तो इसमें हम स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं ठीक है कोई भी स्ट्रोक आप लगा सकते हैं वाइट भी लगा सकते हैं कोई भी लगा लें इस तरह ब्लैक प्यारा लग रहा है ठीक है इसमें हम ब्लैक लगाएंगे एंड इसमें हम शेडो भी यूज़ करेंगे देखें ऐसे भी आप यानी कि अपने स्टिकर्स तैयार कर सकते हैं सो इसमें मैं इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने फिर इसको सिलेक्ट करना है जो स्क्वायर शेप में आपको टू नज़र आ रहे हैं इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो पिक्चर है कोई भी स्टिकर आप बनाएंगे इसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको हम यानी कि यहाँ पर जो है वो सेव एज इमेज कर लेंगे ठीक है सेव टू गैलरी इस तरह आप यानी कि कोई भी स्टिकर और बना सकते हैं एक और स्टिक आ, कोई भी स्टिकर बनाने के लिए आपको इसमें यानी कि पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस चीज़ को सिलेक्ट करके ठीक है एंड फर्दर इसमें फिर हम अपनी गैलरी से जो भी पिक्चर है उसको यानी कि यहाँ पर लेकर आएंगे आएँगे so, सो ये जो मैंने आपको फ़र्स्ट उसमें दिखाया था इसमें आप यानी कि इस पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं सो so, यही ठीक है इसका साइज़ आपने बड़ा रखना है बड़ा रखने के बाद आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है और इसको सेव टू इमेज कर देना है सेव टू इमेज सेकेंडली आप जब स्टिकर्स को बना लेंगे बनाने के बाद जो है आपके पास ये एप्लीकेशन होनी चाहिए पर्सनल स्टिकर्स की ठीक है पर्सनल स्टिकर्स में जो भी आपने स्टिकर्स क्रिएट किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे ठीक है अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे तो आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे ठीक है क्लिक करने के बाद ये देखें जो भी स्टिकर्स हम लोगों ने बनाए हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे देखें अब हमने क्या करना है इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया ठीक है बंडल ऑफ थ्री का ऑप्शन आ रहा है इसमें हमने हेलो फ्रेंड्स वाली और एक कोटेशन वाली ठीक है इसमें आपने इसको टिक का टिक करना है और आप इसको यानी कि व्हाट्सएप में जो है वो इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको ऐड कर दें सो so, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं सो so, हम इसमें इसमें वाट्सएप में जाके मैं आपको बताती हूँ ये आपका बंडल्स जो है यहाँ पे ये यह देखें ये जो आपके स्टिकर्स हैं ये यह यहाँ पर आ गए हैं सारे ठीक है तो आप इसको इजीली किसी भी फ्रेंड के साथ किसी भी फैलो के साथ कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और भी मज़ीद आप इसमें स्टिकर्स बना सकते हैं आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी सी यू टू अल्लाह हाफिज़